दोस्तों, स्त्री टू के बारे में बात करने वाला हूँ। स्त्री टू फिल्म अपने तीसरे दिन क्या कुछ कमाल कर रही है ये बताने वाला हूँ। पहली बात तो आपको ये बता दूँ कि अभी के जो नाइट शोज है वो लगभग 90% के ऊपर फुल है अक्रॉस इंडिया। पागलपन छाया हुआ इस फिल्म को लेकर और ये फिल्म बहुत बढ़िया तरह से स्पॉन कर रही है। 90% से कम इसके शोज फुल नहीं हुए होंगे। मॉर्निंग शो और आफ्टरनून शो, इवनिंग शो की भी ऑक्यूपेंसी एक बार बता देता हूँ। मॉर्निंग शो 32% से स्टार्ट हुए थे, आफ्टरनून शो तक आते आते 64% ऑलमोस्ट डबल हो गई ऑक्यूपेंसी 64%। और इसके अलावा बहुत सारे लोगों की सैटरडे को छुट्टी होती है, उसका फ़ायदा पूरी इस फिल्म को मिला। और नहीं भी छुट्टी होती तो भी लोग इस फिल्म को देख रहे हैं छुट्टी ले लेके। इवनिंग शो की ऑक्यूपेंसी फुल ऑन फायर है 85% इवनिंग शो की, और रात की जिसमें मैंने कहा 90% के ऊपर ही, उसके नीचे नहीं है। आपको एक भी टिकट नहीं मिलने वाला है अगर रात को आप अभी इस फिल्म को देखना चाहते होंगे तो। तो कुल मिला के इसकी एवरेज ऑक्यूपेंसी पूरे दिन की जो नज़र आ रही लमसम वो 67-68% है। कल की ऑक्यूपेंसी से इसको ग्रोथ मिला है, कम से कम कुछ नहीं तो तकरीबन इसको जो ग्रोथ मिला है 10% के आसपास। यानी कि इसका जो कलेक्शन कल 35 करोड़ तक आया था डे टू का, उससे ज़्यादा ही आप पढ़ के चले कि इसका कलेक्शन आएगा डे थ्री तक का, क्योंकि मैं प्रेडिक्शन 43 से 45 करोड़ दिया था वो वापस से गलत होने वाला है। ये फिल्म अपने जो दो दिन में कमाई की है इसे 100.10 करोड़, 100 करोड़ 10 लाख, और आज तीसरे दिन 38 से 39 करोड़ ये फिल्म कमाई कर सकती है। इसका कलेक्शन इस रेंज में 100% आना ही आना है, और इस रेंज में इसका कलेक्शन आएगा इस ऑक्यूपेंसी के हिसाब से तो फिल्म का टोटल हो जाएगा थ्री डेज के बाद 138.10 करोड़ से 139.10 करोड़, यानी कि 138 करोड़ 10 लाख से 139 करोड़ 10 लाख के आसपास। तो ये इस फिल्म का सफर रहा। चौथे दिन के बाद ये फिल्म किसी भी हाल में 200 करोड़ पहुंच जाएगी, ऐसा फिलहाल प्रतीत हो रहा है। धन्यवाद।